नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बैलेंस करने की राशि, बैलेंस करने का लगन, तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए मई 2024 कैसा जाने वाला है, कहां पर रखनी होगी सावधानी, कहां से मिलेगा लाभ। टू द पॉइंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक का ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है। सर्वतम काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्टार्टिंग में थोड़ा सेहत संबंधी आपको परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो, और क्रोध पर नियंत्रण यदि आपने रखा है तो स्टार्टिंग से अच्छा जाएगा। देखिए, आपके लग्नेश, आपके राशि सपने से सप्तम चल रहे हैं, ठीक। तो अपने से सप्तम कोई घर जाता है तो अपने घर को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं, स्टार्टिंग से प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं। मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। दो दो गुरु स्टार्टिंग में थे, एक मई से गुरु महाराज चले जाएंगे अष्टम भाव में, तो गुरु का अष्टम में जाना आपके लिए विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा। एक होता है राजयोग, राजयोग का मतलब सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली ढंग से मिलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में आने के पश्चात आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपके सामने शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं। जितने ये डान बनते हैं ना, ये भैया टाइप लोग बनते हैं, विपरीत राजयोग में बनते हैं। समाज के द्वारा, पुलिस के द्वारा ज़्यादातर परेशान करते हैं, फिर गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। विपरीत राजयोग सिस्टम को नहीं मानता, अपना सिस्टम अपग्रेड करता है। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि आपके खष्टे सष्टम भाव में जा रहे हैं, शत्रु मृत्यु के घर में, शत्रुओं की मृत्यु हो जाएगी, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, संघर्ष में रिलैक्स मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि गुरु खष्टेशों के संभाव में चले थे तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी धीरे धीरे जुदा हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुंदर चलेगा। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर आपको नरक देखना है ना तो देख लीजिए, जिन जिनके घर में रोज झगड़ा होता है उनको नरक कहीं नहीं देखना है, यहीं पे नरक है। और दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, अगर वो भाई आपकी संतान और आपकी पत्नी जीवन साथी आपके अनुकूल हैं, सही तरह से आचरण करने वाले हैं, स्वर्ग की आवश्यकता है, स्वर्ग यहीं पे है। तो यहाँ पे गुरु दाम्पत्य से अटके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियाँ भी धीरे धीरे तिरोहित हो जाएंगी, अच्छा फल मिल रहा है। ध्यातव्य रहे कि आपके सप्तम भाव के स्वामी अभी खष्टम भाव में चल रहे हैं अंगारक योग में। तो दो तरह से चीज़ें हैं, अगर तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, आप कोर्ट में खड़े हैं तो कोर्ट ही बोल डिसीजन दे देगा कि साथ में नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ, या अभी तो एक परेशानी से मुक्ति है। देखिए, मैं कभी भी तलाक का पक्षधर नहीं हूँ, मैं ये व्यक्तिगत मानता हूँ कि परमात्मा ने आपको जोड़ दिया, जीवन पर्यंत चलिए। किंतु अगर आपके आत्मा पे बोझ पड़ने लगे, घुट घुट के जीना पड़ने लगे रोज़ रोज़, अगर किचकिच हो तो वहाँ पे अलग होके दो रोटी सुकून से खाओ, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो मंगल राहु की उपस्थिति है वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। व्यापार में आपको सावधानी के साथ चलना होगा, नहीं व्यापारिक गतिविधियों में आपको नुकसान हो सकता है। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हो जो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उन पे आप भरोसा कर ले जाएंगे। यहाँ का मंगल राहु आपको थोड़ा सा क्रोध दे देगा, साथ में मंगल आपके द्वितीयेश हैं, द्वितीय का स्वामी अष्टम भाव में हो, नोट करके रख लीजिए। इस बीच में किसी को पैसा मत देना, और जिसको दे दिया भूल जाओ, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा। जब भी आप मांगने जाओगे वो आपको इतनी परेशानी गिना देगा कि आपको लगेगा यार मेरे से ज़्यादा गरीब या परेशान तो यही व्यक्ति है, इसको पैसा दिया जाए। तो पैसे नहीं देना है, पैसे फंसने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर आप खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग या ऐसी कुछ विकार होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो खान पान में बिल्कुल ध्यान दे के चलिएगा। गलत दोस्तों के संगत मत रहिएगा, नहीं जब द्वितीयेश का संबंध खष्टम भाव से हो तो चाहे ना चाहे आप नशा की ओर बढ़ते हैं, और नशा नाश की जड़ है, तो नशा से दूर रहिएगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, लाल देह लाली लसे अर्धुर लाल लंगोर
वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपशोर। हनुमान जी की उपासना आराधना करते रहिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। 10 मई से बुध महाराज मेष में रहेंगे, अच्छा है। मेष मतलब आपके कुंडली का सप्तम भाव, महत्वपूर्ण भाव है। बुध का मतलब आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, विदेश के स्वामी। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य आपका गतिमान होगा, फटाफट काम 10 मई के बाद आपके काम, व्यावसायिक काम होना शुरू हो जाएंगे। तो बुध भाग्य की कंडीशन अच्छा कर रहे हैं, भाग्य आपका बेहतर होगा। शनिदेव गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में है, इसलिए कुछ रिश्ते टूटेंगे। पूर्व भद्रपद नक्षत्र जो है रिश्तों को तोड़ के ध्वस्त करके नवीनीकरण का है। तो यहाँ पे जो रिश्ते आपके लिए मुश्किल बने हुए थे, अमान नमान में तेरा मेहमान था, बेवजह के रिश्तेदारी जोड़ के रखे थे, वो रिश्ते टूटेंगे। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संतान भी आपसे बगावत कर सकते हैं। संतान बड़ी है तो संतान के अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है, तो संतान से रिश्ते तोड़ने की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे तोड़ दोगे तो फिर जियोगे किसके लिए। तो यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है द्रुत गति से काम करने वाला, तो थोड़ा सा वाणी को वीणा बनाइएगा, वाणी को बाढ़ मत बनने दीजिएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। सूर्यनारायण 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ, वृषभ मतलब अष्टम भाव। गुप्त तरीके से आप काम करने के अभ्यास आपको है, आपकी क्षमता है कि अपने कामों को गुप्त रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ गुप्त रूप से लाभ होगा। अगर नहीं रख सकते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन, खासकर ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के वे आप टॉकिंग के समय थोड़ी टफ होगी, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, तो थोड़ा इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। देखिए क्या होता है कि अगर आप अपनों से लड़ के जीत भी जाते हो तो अपनों को हार जाओगे, इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि अपनों से हार जाना ही जीत जाना है, तो इग्नोर करना शुरू किया। आप बड़े हैं तो इग्नोर करना आपको आना चाहिए। राहु और केतु महाराज यथावत हैं। राहु महाराज कष्टम भाव में आपके चल रहे हैं, राहु से कोई परेशानी नहीं है, रेवती के राहु हैं, और हस्त नक्षत्र के आपके केतु चल रहे हैं, तो केतु से कोई परेशानी नहीं है। तो मई का माह बेहतर जाएगा, लेकिन ध्यान यही देना है कि किसी को पैसे नहीं देना है, फूड पॉइजनिंग और खान पान से बचना है। ऐसे दोस्तों की संगत का परित्याग कर दीजिए जो नशा की ओर प्रवृत्ति है जिनकी। व्यावसायिक गतिविधियों में किसके साथ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करना है, किसके साथ नहीं, यह एक बार नहीं 3 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इस समय छल होगा, अंगारक योग छल कराता है, ठीक है। यद्यपि कष्टम भाव में अंगारक योग है, शत्रुओं को जला देगा, शत्रुओं को परेशान कर देगा, लेकिन आपके कुंडली में जो स्थिति बन रही है शनिदेव की, वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, और नवांश जो मिलेगा धनु नवांश मिलेगा। इसलिए मैं राशि नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कम जानते हैं, और आके सीधा कमेंट करते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल गए। थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा समझा करो, तब कमेंट किया करो। ज्योतिष बहुत सरल है लेकिन इतना भी सरल नहीं है। तो यहाँ पे धनु का नवांश का असर लेने की वजह से कुछ रिश्ते टूटेंगे, तो जो टूट रहे हैं टूट जाने दीजिए, क्योंकि सबसे जोड़ के आप नहीं चल सकते। बेहतर उपाय के लिए कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए ताप तुम पाही, लाल देह लाली लस्से लाल अंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपशूर। हनुमान जी की आराधना उपासना करना, श्रेष्ठ परिणाम देके जाएगा, और आपकी कुंडली बेहतर है, आप बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आपके लिए राधे राधे।